हेलो गाइस, दिस इज जस्ट फ्रॉम सैम एंड जस हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिस्टीन, सिस्टीन ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं सिस्टीन ट्रीटमेंट एक्चुअल है क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि सिस्टीन ट्रीटमेंट जो है वो स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट नहीं है। पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट है, ये स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट नहीं है। अभी ये करता क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली ट्रीटमेंट है, ये है प्रोटीन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट फॉर द हेयर। जो आपके बालों में जो प्रोटीन है, क्या करता है प्रोटीन, आपके बाल अगर प्रोटीन कम हो बालों में तो क्या प्रॉब्लम आता है कि बाल ड्राई नजर आते हैं, फ्रीजी नजर आते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, क्यूटिकल्स बढ़ जाते हैं, क्यूटिकल्स खुल जाते हैं। तो ये अगर आपके बालों में प्रोटीन नहीं है ना तो ये प्रॉब्लम आता है। और ये सिस्टीन ट्रीटमेंट बनाया है ना एक्चुअली इसी के लिए बनाया है। ये बालों के अंदर इतनी स्मूथ और शाइन लुक देता है आपके। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो सिस्टीन ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए एक स्मूथ एंड शाइन लुक देता है, मॉइस्चर देता है आपके बालों के लिए। तो ये है सिस्टीन ट्रीटमेंट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिस्टीन ट्रीटमेंट क्या है, सिस्टीन ट्रीटमेंट स्ट्रेटनिंग है। जो स्ट्रेटनिंग है दैट इज द परमानेंट प्रोडक्ट, बट सिस्टीन ट्रीटमेंट जो है वो आपका सेमी परमानेंट प्रोडक्ट है। बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, ये रहता है आपके बालों पर 3 से 4 महीने तक। अभी 3 से 4 महीने जैसे मैंने बोला, कैसे 3 से 4 महीने का मतलब है कि जो बाल बहुत मोटा है उस पर ये कम टाइम तक रहता है, और जो बाल फाइन है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है। और इसमें जो समझने वाला है कि जितने बालों पे जैसे स्ट्रेटनिंग वाले बाल हैं आपके उस पर ज्यादा टाइम रहेगा, ऑलरेडी स्ट्रेटनिंग किया हुआ है उस पर ज्यादा टाइम रहेगा, और जिन बालों पे प्री लाइटनिंग किया हुआ है उस पर ज्यादा टाइम रहेगा, भले वो मोटा बाल हो या पतला बाल हो। तो आपको ये समझना है कि कौन से बालों पे कितना टाइम है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये रहता है 3 से 4 महीने तक। अगर आपके हेयर वॉश ज्यादा होते हैं तो ये प्रोडक्ट जल्दी निकल जाएगा, ऐसा कंपनी बोलती है, क्योंकि हर वॉश के साथ में ये थोड़ा थोड़ा क्यूटिकल्स के ऊपर से निकलता रहता है। दूसरा, ये अगर आप वॉश कम करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके बालों पे ज्यादा टाइम तक रहेगा। तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा सिस्टीन ट्रीटमेंट एक्चुअली है क्या। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, सिस्टीन ट्रीटमेंट सेमी परमानेंट ट्रीटमेंट विच इज फॉर द हेयर, और ये रहता है सिर्फ 3 से 4 महीने तक, और ये स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बेसिकली ये जो सिस्टीन ट्रीटमेंट है ये करता क्या है। बालों का जो टेक्सचर है उसको इंप्रूव कर रहा है, बालों के अंदर शाइन दे रहा है, बाल मैनेजेबल हो रहे हैं, जो बहुत फ्रीजी बाल होते हैं उसको रिड्यूस कर रहा है, जो आपका फ्रीजीनेस है। तो बेसिकली सिस्टीन ट्रीटमेंट आपके बालों का जो टेक्सचर है उसको इंप्रूव कर रहा है, और आपके बालों की लाइफ बढ़ा रहा है सिस्टीन ट्रीटमेंट। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बालों को मैनेजेबल कर रहा है, बालों के अंदर स्मूथनेस दे रहा है, शाइन दे रहा है, टेक्सचर इंप्रूव कर रहा है। तो इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है, बालों की लाइफ बढ़ा रहा है। तो बेसिकली क्या है, केमिकली ट्रीटेड बालों के ऊपर ये ज्यादा काम करता है, केमिकली ट्रीटेड। अभी केमिकली ट्रीटेड होने की वजह से बालों में क्या हो रहा है, बाल आपके पोरस हो रहे हैं, डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं। तो इनके ऊपर ये काम ज्यादा अच्छा करेगा, जितने बाल आपके ज्यादा ड्राई होंगे इसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, ऐसा कंपनी बोलती है कि बाल जितने ज्यादा ड्राई होंगे हमारा रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। जिन बालों की क्वालिटी अच्छी है, जो बाल केमिकली ट्रीटेड नहीं है उनके ऊपर इसका रिजल्ट थोड़ा कम आता है। जो बाल केमिकली ट्रीटेड हो, पतले हो, उस पर तो खैर बहुत ही अच्छा आएगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया क्या, डिहाइड्रेटेड बाल हो, फ्रिजी बाल हो, ब्रिटल बाल हो, पोरस बाल हो, उनके ऊपर ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा काम करता है। और किसके ऊपर करता है, जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो लोग रोज ना चाहते हुए भी उनके बालों पे क्या हो रहा है, ब्लो ड्राई हो रहा है, डेली ब्लो ड्राई कर रहे हैं, टोंग्स कर रहे हैं, आइनिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत ही जरूरी है। सिस्टीन लगाने के बाद में उनके बालों पे ये कैसे काम कर रहा है, इट इज वर्किंग लाइक अ हीट प्रोटेक्टर। तो उनके लिए बहुत जरूरी है जिनके क्यूटिकल्स हीट की वजह से खराब हो रहे हैं, तो ये सिस्टीन उनके लिए रिकमेंडेबल है। कि ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आपके पास जैसे कोई ऐसे क्लाइंट आता है तो आप जब उनसे कंसल्टेशन करते हो तो ये आप उनको बोल सकते हो कि भाई ये देखो ये सिस्टीन ट्रीटमेंट आपके लिए अच्छा है। जैसे फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केमिकली ट्रीटेड बाल, वर्जन बाल हो, मोटा बाल हो, डाई वाला बाल हो, हीना वाला बाल हो, उस पर मत करना, लेकिन केमिकल प्रोफेशनल कलर किया हुआ है, स्ट्रेटनिंग किया हुआ है, उसकी वजह से बाल आपके डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, पोरस हो रहे हैं, पोरस मतलब जिसमें सारा मॉइस्चर निकल गया, उन बालों के ऊपर ये काम ज्यादा अच्छा करेगा। और ब्लो ड्राई
और आइनिंग जिनके ऊपर हो रहा है, टॉन्ग्स हो रहा है उनके ऊपर। तो अभी तो ये हुआ कि हमें कौन से बालों पे करना चाहिए, अभी क्या करना है, अभी कौन से बालों पे नहीं करना है। कौन से बालों पे नहीं करना, जिनके 100% बाल ग्रे हो चुके हैं उनके ऊपर मत करना। 100% बाल मतलब सफेद हो चुके हैं, ग्रे हो चुके हैं, ग्रे होने के बाद में कलर भी कर रहे हैं तब भी नहीं करना, जैसे क्योंकि ये प्रोडक्ट काम कर ही नहीं रहा उसके ऊपर, मतलब जो रिजल्ट है सिस्टीन का नहीं आ रहा। ग्रे बाल के ऊपर नहीं करना, ग्रे बालों के ऊपर कलर करते हो तब भी नहीं करना, और किस पे नहीं करना, प्रेग्नेंट वुमन पे। क्लाइंट की डिलीवरी के 6 महीने के बाद तक भी नहीं करना, उसके बाद बच्चों पे नहीं करना। किस पे नहीं करना, बच्चों पे, 16 साल के जो छोटे बच्चे उन पर नहीं करना। मेरी एडवाइस है 20 साल के ऊपर ही करो, कोई भी केमिकल बालों पे करो 20 साल के ऊपर करो। कंपनी बोलती है 16 साल 12 साल, कुछ कंपनी ऐसे ही बोलती हैं, लेकिन केमिकल बच्चों के ऊपर मत करना। और जैसे मैंने आपको बताया, जो भी कोटिंग वाले प्रोडक्ट है, कोटिंग वाले प्रोडक्ट के ऊपर मत करना, रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, आपने क्लाइंट के ऊपर किया, आपने पैसा अच्छा चार्ज करना है, रिजल्ट नहीं आएगा, आपके ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि कोटिंग वाले प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे डाई कलर, हीना कोटिंग पे ये प्रोडक्ट नहीं काम करेगा, ध्यान रखना इस बात का। किसी के बालों पे, किसी के स्कैल्प पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्कैल्प पे एलोपेशिया हो गया, चोट लगी हुई है, स्टिचेज आ रही है, मैं बार बार बोलता हूं केमिकल मत करना, बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो मत करना, ये ध्यान रखना ये प्रोडक्ट किस किस के ऊपर नहीं करना है। बस इतना सही है, जो करना है किन किन पे करना है, पतले बालों पे करना है, रिजल्ट आ जाएगा। कलर्ड बाल है, स्ट्रेटनिंग वाले बाल है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत ड्राई बाल है उस पर अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन किन किन पे नहीं करना वो भी ध्यान रखना। उन्हीं को कंसल्टेशन में बोलना है करने के लिए, ऐसे बालों को मत बोलना कि कोई भी क्लाइंट आया बोल दो कर दो कर दो, नहीं। सिर्फ आपको देखना है कि कौन से बालों पे रिजल्ट अच्छे आने हैं उसी पे करना, अदरवाइज नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम आप ही को आने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हमने बालों पे स्ट्रेटनिंग करनी, स्ट्रेटनिंग करने के 3 दिन के बाद में आपको सिस्टीन करना है, 3 डेज के बाद में सिस्टीन करना है। आज आपने स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग की अपने बालों में, आज आप क्लाइंट के बालों पे 3 दिन के बाद में सिस्टीन ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन अभी हम सिस्टीन ट्रीटमेंट के ऊपर कब करेंगे इसको भी ध्यान रखना। हमने सिस्टीन ट्रीटमेंट क्लाइंट के बालों पे, हमने सिस्टीन ट्रीटमेंट कर दिया आज, अब हमें स्ट्रेटनिंग करनी है तो हम कितने दिनों के बाद में करेंगे, 9 महीने के बाद में, ऐसे कंपनी बोलती है। आपने स्ट्रेटनिंग किया 3 दिन के बाद में सिस्टीन कर दो, आपने सिस्टीन किया, अगर आपको स्ट्रेटनिंग करनी है अपने बालों पे आपको 9 महीने का वेट करना पड़ेगा, ऐसा कंपनी बोलती है। 9 महीने तक आप स्ट्रेटनिंग नहीं कर सकते, उनका कहना यह है कि आपके बाल 9 महीने तक हील हो रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया। अभी हम आते हैं कलर के ऊपर। आपने सिस्टीन ट्रीटमेंट बालों पे किया, अभी क्लाइंट आया और उसने बोला मेरे बालों पे आप ग्लोबल कलर कर दो, तो आप उनको बोलोगे परमानेंट कलर 3 महीने तक नहीं कर सकते, आप 3 मंथ तक नहीं कर सकते, आप कौन सा नहीं करोगे। आपने सिस्टीन ट्रीटमेंट आज किया, परमानेंट कलर जितने भी हमारे हैं परमानेंट प्रोफेशनल परमानेंट कलर्स आपको 3 महीने के बाद करने हैं। आप कौन सा कर सकते हो बालों पे, सेमी परमानेंट कलर 15 दिन के बाद में कर दो सेमी परमानेंट कलर, लेकिन परमानेंट कलर्स आप 3 महीने के बाद में करोगे। अगर आपने वो ट्रीटमेंट पहले किया तो आपके बालों में से सिस्टीन का इफेक्ट निकल जाएगा। अगर आपको रूट टचअप करना है, रूट टचअप जैसे ग्रे कवरेज के लिए आपको करना है और आपने अभी सिस्टीन किया है, कंपनी बोलती है 5 दिन के बाद में आप रूट टचअप कर सकते हो, लेकिन जब आप रूट टचअप करो ना सिर्फ उन्हीं पे ही करना जहां पे सिस्टीन नहीं हुआ हुआ, सिर्फ उन्हीं बालों पे करना टचअप, मतलब रूट टचअप। जैसे कि अभी प्रोसीजर में आपको पता लगेगा कि हम लोग सिस्टीन ट्रीटमेंट स्कैल्प पे नहीं लगाते, हम लोग आधा इंच छोड़ के लगाते हैं। तो रूट टचअप जो आप करोगे ना सिर्फ 1/2 इंच का रूट टचअप करोगे, एंड दैट इज ऑल्सो यू कैन डू इट आफ्टर 5 डेज। और बहुत जरूरी पॉइंट है, सिस्टीन करने के बाद में आपको अगर शैम्पू करना है तो आप करोगे शैम्पू ओनली सल्फर फ्री शैम्पू, जो कि सिस्टीन का खुद का है, कंपनी ऐसा बोलती है। अगर आप सल्फर फ्री शैम्पू यूज
नहीं करोगे आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। इवन आपने केमिकली ट्रीटेड प्रोफेशनल केमिकली ट्रीटेड वाले भी शैम्पू यूज किए ना, तब भी सिस्टीन निकल जाएगा। तो कंपनी क्या बोलती है, सिर्फ सिस्टीन का सल्फर फ्री शैम्पू यूज करो, आपके बालों का जो सिस्टीन ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा कंपेरेटिवली जो आप नॉर्मल शैम्पू यूज करते हो। तो इसको ध्यान रखना है आपने, आपने रूट टचअप करोगे आफ्टर 5 डेज करोगे और सल्फर फ्री शैम्पू ही यूज करना है। स्विमिंग क्यों नहीं करनी, क्योंकि पानी में क्लोरीन होता है, क्योंकि पानी में क्लोरीन है तो क्या करेगा वो सारा का सारा सिस्टीन को निकाल देगा। इसलिए एडवाइजेबल नहीं है कि अगर आपने सिस्टीन ट्रीटमेंट किया हो तो आप स्विमिंग करो, क्लोरीन सिस्टीन को डैमेज करेगा। इसलिए अभी सिस्टीन के मैं आपको सारे प्रोडक्ट दिखा देता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है। अभी जो मेरे हाथ में है वो है सिस्टीन का डीप क्लींजिंग शैम्पू, देख रहे हैं आप, डीप क्लींजिंग शैम्पू, ये है सिस्टीन का। प्योरीफाइंग शैम्पू भी बोल सकते हो, अब इसको डीप क्लींजिंग शैम्पू भी बोल सकते हो। ये जो है ये वर्जन बालों के लिए, किसके लिए, वर्जन बालों के लिए। अभी जब वर्जन बाल आपके पास में आएंगे तो आपको यूज करना है, प्रोसीजर मैं समझाऊंगा कैसे करना है, लेकिन ये डीप क्लींजिंग जो है ये है वर्जन बालों के लिए, सिस्टीन का डीप क्लींजिंग शैम्पू। तो अभी मेरे हाथ में कौन सा है, रिवाइवर शैम्पू, रिवाइवर मतलब हेयर रिपेयर शैम्पू। अभी ये जो शैम्पू है ये वर्जन पे भी आएगा और केमिकल वाले बालों पे भी आएगा और सेंसिटाइज वाले पे भी आएगा, तरीका मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन ये तीनों पे लगने वाला है। और ये शैम्पू है रिवाइवर हेयर रिपेयर शैम्पू। अभी मेरे हाथ में है असाय ऑयल। अभी असाय ऑयल क्या करता है, ये बालों के अंदर जो फ्रिजीनेस है उसको बैलेंस करता है, मतलब ये पोरस बालों के लिए है, ब्रिटल बालों के लिए है असाय ऑयल, वर्जन बालों के लिए नहीं है, वो मैं प्रोसीजर के टाइम पे बताऊंगा, लेकिन इसका नाम ध्यान रखना असाय ऑयल। तो अभी मेरे हाथ में है सिस्टीन कॉम्प्लेक्स। जो अभी तक हम लोग इतनी देर से सिस्टीन ट्रीटमेंट की बातें कर रहे हैं ना, तो ये है वो सिस्टीन कॉम्प्लेक्स। देखो लिखा हुआ यहाँ पे कर्ल सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट, तो ये है एक्चुअल में सिस्टीन कॉम्प्लेक्स। तो ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे करना है, प्रोसीजर के टाइम पे बताऊंगा कि इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। बहरहाल प्रोडक्ट ये है, और ये जो है मेरे हाथ में फाइनल आपका प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिवाइवर हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट। मतलब ये जो हम 24 आवर्स के बाद में यूज करते हैं ना, ये कंडीशनर है इनका। तो रिवाइवर हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट ये यूज करेंगे आफ्टर 24 आवर्स फाइनल वॉश पे। तो इसको देख लो आप लोग, रिवाइवर हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट। अभी हम शुरू कर रहे हैं ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग वर्जन बालों पे। तो देखते हैं वर्जन बालों का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो वर्जन बालों के लिए हमें प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना है, वॉश सबसे पहला किससे कर रहे हैं, डीप क्लींजिंग शैम्पू से सबसे पहला। फिर उसको हम लोग रख रहे हैं 5 मिनट, 5 मिनट के बाद में उसको वॉश किया। फिर उसके बाद जो सेकेंड वॉश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रिवाइवर शैम्पू से, किसे कर रहा हूँ, रिवाइवर शैम्पू से। फिर 5 मिनट वेट किया और फिर तीसरी बार वॉश कर रहा हूँ वो भी किससे कर रहा हूँ, रिवाइवर शैम्पू से। तो 3 बार वॉश, पहला हम लोग कर रहे हैं डीप क्लींजिंग शैम्पू, फिर दूसरा रिवाइवर शैम्पू, तीसरा भी रिवाइवर शैम्पू, और हर वॉश के बाद में 5 मिनट आपको प्रोडक्ट को बालों पे रखना है। उसके बाद अच्छे से वॉश करेंगे बालों को, और वॉश करने के बाद में क्या कर रहे हैं हम लोग, 100% फिंगर ब्लास्ट। फिंगर ब्लास्ट मतलब बालों को अच्छे से ड्राई कर रहे हैं, ना तो आपको राउंड ब्रश यूज करना है ना पैडल ब्रश यूज करना है। तो क्या करेंगे, 100% फिंगर ब्लास्ट, उसके बाद सिस्टीन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। तो 30 ml प्रोडक्ट निकालना है सिस्टीन कॉम्प्लेक्स का, 30 ml। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा भी हो ना, और आपको सपोज करो आपको 90 ml निकालना हो, तब भी पहले 30 ml ही निकालना, फिर दोबारा 30 ml निकालना, मतलब 30 ml को पकड़ के चलना। जब आपका एक फर्स्ट 30 ml का हो जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना प्रोडक्ट और चाहिए। अभी आपके बहुत सारे बाल भी रह गए ना, अगर आपको लगता है कि इसमें प्रोडक्ट 30 ml से ज्यादा लगने वाला है, तब भी 30 ml का ही प्रोडक्ट निकालना, फिर उसके बाद में जितना बचा उतना निकाल देना। तो कहने का मतलब है प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट एप्लीकेशन के टाइम पे। अभी अभी हम करेंगे सिस्टीन जो हमने निकाला है बाउल के अंदर, अभी हम कर रहे हैं उसको अप्लाई बालों के ऊपर सेक्शन बाय सेक्शन लगाएंगे। लेकिन बालों पे जो हम लोग लगा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना प्रोडक्ट, ना तो बहुत ज्यादा लगाना है ना बहुत कम लगाना है। कम लगाया तब भी रिजल्ट नहीं आएगा, बहुत ज्यादा लगाया तब भी वेस्ट भी होगा रिजल्ट भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम आता है उसमें। प्रैक्टिकल के टाइम पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमें कैसे लगाना है प्रोडक्ट, लेकिन बस दिमाग में रखो ना तो बहुत ज्यादा लगाना है और ना बहुत कम लगाना है।
उसके बाद जैसे हमारी पूरी एप्लीकेशन होती है छोटे छोटे सेक्शन के साथ में हम लोग अप्लाई करते हैं, इमल्सिफाई करते हैं, बालों को छोड़ते हैं। अब भी हमें क्या करना है, वर्जन बालों के ऊपर, वर्जन बालों के ऊपर क्लिंग रैप लगाएंगे, पूरे बालों को कवर कर देंगे क्लिंग रैप से। क्लिंग रैप से बालों को कवर इसलिए कर रहे हैं ताकि जो उसकी प्रोडक्ट की जो हीट है वो बालों में रहे और वो प्रोडक्ट बालों के अंदर जाए, मतलब क्यूटिकल्स के अंदर जाए। और क्लिंग रैप लगा के उनको बिठाएंगे 45 मिनट्स क्लाइंट को बिठाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना, क्लिंग रैप लगाने के बाद में क्लाइंट को एसी के सामने मत बिठाना, मतलब जहां पर बहुत ठंडक ना हो, क्योंकि ये क्या है, हीट के ऊपर काम कर रहे हो आप, तो क्लाइंट ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। तो आप क्लाइंट को वहां बिठाएंगे क्लिंग रैप लगाने के बाद 45 मिनट्स। अभी क्या करना है, 45 मिनट्स हमारे हो चुके हैं, क्लिंग रैप लगा चुके थे, 45 मिनट्स पूरे हो गए। अभी क्या करना है, अभी हमने करना है बालों को ड्राई। किससे करना है, पेडल ब्रश से। पेडल ब्रश लेंगे, छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और बालों को करेंगे हम लोग ड्राई। किससे, ड्रायर का मीडियम हीट से, फुल हीट मत देना, मीडियम हीट से करेंगे बालों को ड्राई। छोटे छोटे सेक्शन के साथ काम करेंगे, बालों को 100% ड्राई करना। इस तरीके से ड्रायर मत यूज करना कि प्रोडक्ट के फ्यूम्स बन के उड़ जाए, इसका ध्यान रखना। ड्रायर जब आप यूज करते हो बहुत जेंटली यूज करना ताकि प्रोडक्ट बालों में से उड़े ना, ध्यान रखना इस बात का। मीडियम हीट के साथ में सारे बालों को हम लोग करेंगे स्ट्रेट ब्लो ड्राई विद द हेल्प ऑफ पेडल ब्रश। तो मीडियम हीट के साथ में हम लोग जो ब्लो लेने वाले हैं कौन सा, फुल ब्लो, फुल ब्लो मीडियम हीट ऑल ओवर हेयर। जब तक मेरे बाल पूरे ड्राई नहीं हो जाते आपको ये प्रोसीजर करना है, फिंगर ब्लास्ट मत करना, पेडल ब्रश करना। और ये जो ब्लो ड्राई है ना, इसको आपको चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रोडक्ट उड़ना नहीं चाहिए, इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रॉपर अंदर पेनिट्रेट करना है आपको। तो जब तक ये समझ में आएगा, जब आप प्रैक्टिकल देखोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, जब आप ब्लो ड्राई कर रहे हो ना तो पूरा प्रोडक्ट बालों के अंदर पेनिट्रेट होना है, उस हिसाब से आपको ब्लो ड्राई करना है। प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूं, प्रोडक्ट पूरा अंदर पेनिट्रेट होगा उसके बाद में हम आयनिंग शुरू करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूरे बालों को ड्राई किया पैडल ब्रश के साथ में, ब्लो ड्राई किया मीडियम हीट फुल ब्लो के साथ किया। अब हमारी बारी आती है आयनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनिंग शुरू करेंगे। आयनिंग का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 200 डिग्री सेल्सियस टू 220 डिग्री तक, ये ध्यान में रखना, 200 से 230 तक, ये हमारे आयनिंग टेम्परेचर रहेगा। और जो आयन का जो प्लेट रहेगा ना वो सेरेमिक प्लेट होना चाहिए, अच्छी वाली आयनिंग यूज करना, उससे पतले पतले सेक्शंस के साथ में करना। देखो पतले सेक्शंस का जो मतलब है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जब आप सेक्शन को पकड़ते हो ना, हाथों के ऊपर रखते हो ना बालों को, आपने सेक्शन निकाला बालों को, अगर आपकी हथेली दिख रही है ना तो इसका मतलब वो सेक्शन सही निकाला है आपने। अगर आपने खाली उस पर बाल दिख रहे हैं, बाल यहाँ पे, इसका मतलब कि आपको और फाइन करना है सेक्शन, इसका ध्यान रखना। जब आप सेक्शन निकालो और अपने हाथ के ऊपर रखो ना तो आपकी हथेली दिखनी चाहिए, इतने पतले सेक्शंस पे आपको आयनिंग करनी है। और उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो 200 to 220 डिग्री रहना चाहिए। एक स्ट्रैंड पे कम से कम 8 से 10 बार उसकी रिपीटेशन करनी है, 8 से 10 बार। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कितने, एक सेक्शन पे आपको 10 बार करनी है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया 8 से 10 बार में आपको करना है आयन, लेकिन अभी इसमें क्या है कि कुछ बालों के अंदर ना 6 आपने रिपीटेशन किए, 6 में शाइन आ गया, शाइन आ गया तो आप रुक सकते हो वहां पे। लेकिन कुछ बाल ऐसे भी आएंगे जिसमें आपने 10 बार करने के बाद भी शाइन नहीं आएगी, तो उसमें 12 बार भी करना पड़ सकता है, 14 बार भी करना पड़ सकता है। लेकिन इन शॉर्ट जहां बालों के अंदर आपके शाइन नजर आ गई ना, वहीं रुक जाना। तो एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं 8 से 10 बार कंपनी बोलती है, लेकिन ये जो बोल रही है ना, ये शाइन के ऊपर बोल रही है, आपके बालों में शाइन नजर आनी चाहिए आफ्टर द आयनिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी आयनिंग हमारी हो चुकी है सारे के सारे बालों पे, सारे बालों पे हमने आयनिंग बहुत अच्छे से की है, छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में की है। अभी जैसे ही आपकी पूरी आयनिंग हो जाती है ना, बालों में अच्छी शाइन आ गई, दोबारा एक बार फिर बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में सारे बालों को सेम
आयनिंग से सेम डिग्री से जो उसकी हीट है 220 से या 200 टू 220 से आपने दोबारा सारे बालों को बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में एक बार फिर दोबारा आयन करना है। अभी आपको क्लाइंट को 24 आवर्स के बाद में मतलब 24 घंटे के बाद में आपको बुलाना है उनको फाइनल वॉश के लिए आफ्टर 24 आवर्स। अभी ये जो रिजल्ट है ना जो बिल्कुल बाल आपके सीधे नजर आ रहे हैं ये रिजल्ट नहीं है, दिस इज नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट कब होगा? फाइनल वॉश के बाद में। लेकिन यहां पे आपको आपके क्लाइंट को क्या बोलना है? प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? बिल्कुल बालों को गीला नहीं करेंगे, पसीना नहीं आना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए, क्लचर नहीं लगाएंगे, ब्रेडिंग नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपके बाल हवा में उड़े। जैसे आप बाइक पे जाते हो, ऑटो में जाते हो तो स्कार्फ पहन के जाओ, ये प्रिकॉशंस आप अपने क्लाइंट को बोलोगे। कान के पीछे बालों को नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके क्लाइंट्स को बोलने हैं कि ये उनको लेने ही हैं जिससे उनके बाल स्टेबल हो जाए। अभी 24 आवर्स के बाद में क्लाइंट आपके पास में दोबारा सलोन में आया, अब आपको उनको क्या करना है समझ लेना। यहां पे आपको उनको बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में सेम डिग्री मतलब 200 टू 220 डिग्री के टेम्परेचर से आयनिंग करनी है बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में ऑल ओवर। अगेन पहले देखो क्लाइंट आया 24 आवर्स के बाद में, क्लाइंट को बिठाया आपने, अभी क्या कर रहे हो आप? आयनिंग, दोबारा आयनिंग करनी है, दोबारा बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में करनी है आयनिंग ऑल ओवर बालों पे। अभी आपने सारे बालों पे आयनिंग कर दी, करने के बाद में आपको उनको बिठाना है 10 से 15 मिनट, जो हीट है ना आयन की उसको थोड़ा नॉर्मल होने दो। 15 से 20 मिनट बिठाने के बाद में अब आपको क्या करना है? फाइनल वॉश। यहां आपका आता है फाइनल वॉश, और ये जो फाइनल वॉश है ये हमेशा करना ल्यूक वॉर्म मतलब गुनगुने पानी से ही वॉश करना, हमेशा ल्यूक वॉर्म वाटर से वॉश करना, रिंस करना पहले अच्छी से, जितना भी प्रोडक्ट है ना सारा निकाल देना, क्योंकि अभी हमारे बालों पे अभी भी जो हमने कल प्रोडक्ट लगाया था 24 घंटे पहले जो हमने सिस्टीन कॉम्प्लेक्स जो हमने ट्रीटमेंट लगाया था प्रोडक्ट लगाया था बालों में उसको पहले अच्छी से निकालेंगे। अब हम क्या यूज करेंगे? शैम्पू। कौन सा? रिवाइवर रिपेयर शैम्पू हम करेंगे बालों पे। अच्छी से शैम्पू करने के बाद में जैसी शैम्पू निकल गया अब हम क्या यूज करेंगे? रिवाइवर हेयर ट्रीटमेंट। क्या है ये? भी बालों का कंडीशनर ही है लेकिन ट्रीटमेंट है। तो जो आपके पास में वॉश करने आएंगे ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले प्रोडक्ट दिखाए थे ना वही प्रोडक्ट, तो शैम्पू वॉश किससे करेंगे? रिवाइवर हेयर शैम्पू। और कंडीशनिंग किससे करेंगे? रिवाइवर हेयर ट्रीटमेंट। बस इतना ही करना है, हो गया आपका ट्रीटमेंट। उसके बाद में आपको बालों को ड्राई करना है, रिजल्ट आपके सामने होगा। सो दिस इज फॉर द वर्जन हेयर। देखिए बहुत इजी ट्रीटमेंट है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल ध्यान से सिस्टीन कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट करना। थैंक यू सो मच। क्लाइंट को होम केयर का देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसे ही आपका पूरा ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट होने के बाद में क्लाइंट का जो आपका रिजल्ट आ गया वो आप दिखा दिया, आपने ड्राई कर दिया, वॉश कर दिया, ड्राई कर दिया, अभी क्लाइंट को जो देना है आपको सल्फर फ्री शैम्पू देना है। सल्फर फ्री शैम्पू कौन सा है? होम केयर के लिए उनको बोलना वही शैम्पू यूज करें, क्योंकि अगर कोई और शैम्पू यूज किया ना तो उनके बाल क्या हो जाएंगे? जो उनका सिस्टीन है ना जल्दी निकल जाएगा। क्लाइंट को लॉन्ग लास्टिंग अगर उसका इफेक्ट चाहिए तो उनको होम केयर में रिवाइवर हेयर रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर वो लेना ही पड़ेगा, तभी उनका जो रिजल्ट है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, ये क्लाइंट को समझा देना। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, होम केयर में कोई भी होम रेमेडीज मत लगाना, ये क्लाइंट को जरूर बोल देना। कोई तेल दही और ये सब नहीं लगाना अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे बालों पे एक ट्रीटमेंट हो चुका है जो बालों में जैसे मैंने आपको बताया था कि रिपेयर कर दिया अभी आपके बालों को, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आप लगाओगे कोई और चीज तो वहां प्रॉब्लम आने वाली है। तो होम केयर का जरूर ध्यान रखना, ये जरूर देना आप क्लाइंट को। कौन सा? होम केयर के लिए रिवाइवर हेयर रिपेयर शैम्पू एंड कंडीशनर। तो अभी जो हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है किसके लिए? केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए। केमिकली ट्रीटेड मतलब जिनके बालों पे स्ट्रेटनिंग हुई हो या कलर हुआ हो। कौन सा? प्रोफेशनल डाई कलर नहीं, प्रोफेशनल कलर, स्ट्रेटनिंग या प्रोफेशनल कलर के साथ में। तो ये हो गया हमारा केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए। अभी इसका प्रोसीजर गौर से सुनना। सबसे पहले वॉश, वॉश करेंगे रिवाइवर शैम्पू से। रिवाइवर शैम्पू से वॉश करेंगे दो बार, पहले भी रिवाइवर शैम्पू 5 मिनट वेट करेंगे, दोबारा रिवाइवर शैम्पू, फिर 5 मिनट वॉश करेंगे।
उसको रिंस करेंगे, दिस इज हाउ यू हैव टू डू शैम्पू। इसके बाद 100% बालों को फिंगर ब्लास्ट, ब्लो ड्राई नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिंगर ब्लास्ट करेंगे 100%। अभी जैसे ही बाल आपके 100% ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद में आपको लगाना है असाई ऑयल। असाई ऑयल है इस तरह का प्री ट्रीटमेंट जो बालों का जो मॉइस्चर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। और किस पे लगाना है वो आपको, डैमेज बालों पे लगाना है, हाइलाइटेड बालों पे लगाना है, पोरस बालों पे। पोरस बाल का मतलब समझ में आता है ना आपके, जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, पोरस बालों पे लगाना है। तो ये लगाना है आपको जो डैमेज्ड है, पोरस बाल है और हाइलाइटेड बाल है। उसके ऊपर लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, मेन सिस्टीन कॉम्प्लेक्स। अब आपने लिया सिस्टीन कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने पहले बताया था 30 ml से ही शुरुआत करना, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मत डालना क्योंकि अगर एक्स्ट्रा आ गया तो वापस आप बॉटल में नहीं डाल पाओगे। तो 30 ml पहले निकाला, छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में सारे बालों पे लगाएंगे, ना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लेंगे ना कम लेंगे, ध्यान रखना। हम लोग ले रहे हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट और 30 ml लिया, थोड़ा थोड़ा लगाया, अच्छे से इमल्सिफाई किया, ऑल ओवर बालों पे इसी तरीके से लगाएंगे। और अब हमने बालों पे लगाना है क्लिंग रैप, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट्स के लिए। अभी 30 मिनट के लिए क्लिंग रैप लगाएंगे ऑल ओवर बालों पे। तो अभी हमारा एप्लीकेशन सारा हो चुका है बालों पे, देखा आपने पूरा एप्लीकेशन, क्लिंग रैप भी लगा दिया, 30 मिनट्स भी बिठा दिया। अब क्या करना है, अब करना है ड्राई, किससे करना है, पेडल ब्रश से, सेक्शन बाय सेक्शन पेडल ब्रश से, मीडियम हीट फुल ब्लो। सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग लिया, सारे बालों को ब्लो ड्राई किया, 100% बाल ड्राई होने चाहिए। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, जब हम ड्रायर कर रहे हैं प्रोडक्ट उड़ना नहीं चाहिए लेकिन पेनिट्रेट होना चाहिए, तो आपको जो ड्रायर यूज करना है वो उस हिसाब से यूज करना है, सारे बालों के अंदर प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाए, शाइन आ जाए। जैसे ही मेरे 100% बाल ड्राई होते हैं, अब मैं करूंगा आइनिंग। आइनिंग किस पे करेंगे हम लोग, 160 डिग्री टू 200 डिग्री तक। क्यों है 160 से 200, 160 उस पे करेंगे जो थोड़ा फाइन बाल है और थोड़ा ड्राई बाल है, केमिकली ट्रीटेड बालों पे कर रहे हैं, ध्यान है ना आपको, केमिकली ट्रीटेड बालों पे, केमिकली है लेकिन अच्छी क्वालिटी है, मोटा बाल है तो 200 आइनिंग का टेम्परेचर रहेगा, पतला बाल है, कहीं डैमेज बाल है, ड्राई बाल है, तो वहां पे 160 डिग्री पे आपको आयन करना है। तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे सेक्शन के साथ में रिपीटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एक पे 8 से 10 बार रिपीटेशन करना है जब तक बालों पे शाइन ना आ जाए, जब तक रिपीटेशन आपके आयनिंग का रहेगा। सेरेमिक प्लेट आयनिंग आपको यूज करना है, जो आयन आप यूज कर रहे हो उसके जो प्लेट रहता है वो सेरेमिक हो, अच्छी कंपनी का हो, रिजल्ट अच्छा आएगा आपका। और आपको क्या करना है, अगर जैसे मैंने आपको बताया 6-7 भी कर दिया ना आपने आयन, 6-7 के बाद में भी अगर शाइन आ गया ना छोड़ दो, लेकिन अगर 10 के बाद में भी नहीं आया ना तो करते रहना आयन। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि आपको आयन प्रॉपर करना है। एक बार आपके पूरे बालों पे आयन हो गया ना, उसके बाद में फिर दोबारा करो बड़े बड़े सेक्शन के साथ में ऑल ओवर। अभी आपको क्लाइंट को बोलना है 24 आवर्स के बाद में आना है, और 24 आवर्स में जो आपको प्रिकॉशंस लेने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम प्रिकॉशंस, गीले नहीं होने चाहिए बाल, स्वेट नहीं आना चाहिए, टाई नहीं करना चाहिए, क्लचर नहीं लगाना चाहिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके क्लाइंट्स को बताने हैं। ये नॉर्मली आप सब में बोलते हो, स्ट्रेटनिंग में बोलते हो और केराटिन में बोलते हो और सिस्टीन में भी यही प्रिकॉशंस है। 24 घंटे के बाद में जब आपका क्लाइंट वापस आता है After 24 hours, again, अब आपको करना है पहले आयन। ध्यान रखना, क्लाइंट आया, आके बैठा, जो अगर उनको पसीना आ रहा है या थोड़ा अगर उनको मॉइस्चर, तो उनको बिठाओ 5 मिनट, 5-10 मिनट बिठाने के बाद में अभी दोबारा आपको आयन करना है बड़े बड़े सेक्शन के साथ में। बड़े बड़े सेक्शन के साथ में आयनिंग किया, आयनिंग करने के बाद में आप क्या करना है, फिर बिठाओ जब तक कि आपके जो बाल हैं वो नॉर्मल ना हो जाए। तो जैसे बाल आपके नॉर्मल हुए उसके बाद में अगेन 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल हो जाएंगे, उसके बाद में अगेन आप भेजो उनको रिंस के लिए, वॉश के लिए। प्रोडक्ट अच्छे से रिंस कर दो, ल्यूक वॉर्म वाटर यूज करेंगे, अच्छे से निकाल दो प्रोडक्ट को। जैसे प्रोडक्ट आपका निकल गया ना, उसके बाद में अब शैम्पू कौन सा यूज करेंगे, मैंने बताया था आप लोग को कौन सा, यस रिवाइवर रिपेयर शैम्पू, रिवाइवर रिपेयर ट्रीटमेंट। ये है ट्रीटमेंट जो है, ये है कंडीशनर, और रिवाइवर रिपेयर जो है शैम्पू, अभी यही यूज करना है आपको जो आपका फाइनल वॉश आता है। इसको यूज करने के बाद में जैसे ही आप आते हो बाल ड्राई कर दिए, नाउ दिस इज द रिजल्ट। आइनिंग के बाद वाला कभी रिजल्ट मत लेना, हमेशा वॉश के बाद का रिजल्ट लेना। तो अभी जो आपका रिजल्ट आया कौन सा आया, जब आपने ड्राई किया बालों को, ब्लो ड्राई भी कर सकते हो आप बालों को, सॉफ्ट होंगे बाल आपके, अच्छे होंगे,
उसके बाद में जैसे ही क्लाइंट जाने लगता है उनको पहले आपको होम केयर के लिए शैम्पू देना है। भूलना मत, होम केयर के लिए शैम्पू बहुत जरूरी है। शैम्पू कौन सा है? रिवाइवर हेयर शैम्पू, रिवाइवर हेयर कंडीशनर, ये दो क्लाइंट को आपको देने हैं। क्लाइंट घर पे लेके जाएगा, उसी से ही वॉश करने वाला है। सल्फर फ्री शैम्पू है, यही आपके सिस्टीन को लॉन्ग लास्टिंग रखने वाला है। ध्यान रखना, अगर क्लाइंट ने कोई और कंपनी का शैम्पू यूज किया, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज किए, बालों में से सिस्टीन बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लाइंट को बता देना होम केयर में। और उनके बालों पे कोई भी होम रेमिडीज ऑयल नहीं होना चाहिए, बस इन्हीं दोनों को लगाते रहो, सीरम लगाते रहो। क्लाइंट को बोलना बालों पे, गीले बालों पे सीरम लगाए, ट्रीटमेंट है। तो यही है हमारे केमिकली ट्रीटेड बालों के ऊपर सिस्टीन कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थैंक यू। तो अभी आपका शुरू हो रहा है फाइनल ट्रीटमेंट। फाइनल ट्रीटमेंट मतलब सेंसिटाइज बालों पे आखिरी ट्रीटमेंट है। जैसे हमारा अभी क्या हो गया, वर्जन बालों का भी हो गया, केमिकल ट्रीटेड का भी हो गया, अब हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट सेंसिटाइज बालों का। सेंसिटाइज मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सेंसिटाइज मतलब जैसे प्री लाइटनिंग करके आपके बाल बिल्कुल बेजान हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, या स्ट्रेटनिंग करने के बाद में थोड़ा ओवर प्रोसेस हो जाते हैं। जले हुए बालों की बात नहीं कर रहा, ओवर प्रोसेस मतलब थोड़ा ड्राई साइड में चले गए, तो वो क्या हो जाता है कि वो थोड़े से सेंसिटाइज हो जाते हैं, या बार बार स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं एक ही बाल के ऊपर, कम से कम 4 से 5 बार हो गया, तो वो सेंसिटाइज हो जाते हैं बाल। अब हमने सेंसिटाइज बालों के बारे में देखना है, सेंसिटाइज बालों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे करना है। अभी 2 बार शैम्पू, सेम रिवाइवर रिपेयर शैम्पू के साथ 2 बार शैम्पू करेंगे, वही 5-5 मिनट का वेट करेंगे। पहले भी रिवाइवर शैम्पू यूज करेंगे, दूसरी बार भी रिवाइवर शैम्पू ही यूज करने वाले हैं। उसके बाद में हमारा 100% बालों को फिंगर ब्लास्ट करेंगे। अच्छे से उसके क्यूटिकल्स खुल चुके हैं, फिंगर ब्लास्ट, 100% बाल मेरे ड्राई हो गए। क्लाइंट के बाल 100% ड्राई करने के बाद में अभी हम लगाएंगे, सेंसिटाइज बाल हैं ऑफ कोर्स, मिडिल टू एंड्स, या जहां जहां पे बाल पोरस हैं या ड्राई हैं या बहुत ही ज्यादा डैमेज बाल हैं उनके ऊपर लगाएंगे असाय ऑयल। बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लगाने वाले, थोड़ा थोड़ा, वो प्रैक्टिकल पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कैसे लगाना है। असाय ऑयल लगाने के बाद में अभी हम अगेन 30 ml, जैसे मैंने पहले बताया था 30 ml का फंडा माइंड में रख लो, उससे ज्यादा मत निकालना। 30 ml लिया मैंने, 30 ml लेने के बाद में हमने प्रोडक्ट को लिया और सेक्शन बाय सेक्शन बालों पे हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया। एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, अगेन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना, बहुत कम भी नहीं लगाना। उसके बाद सारे बालों पे अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, उसको छोड़ेंगे। अब जो हमने क्लिंग रैप लगाना है बालों पे, अब जैसे हमारी एप्लीकेशन पूरी हो गई, अब लगाएंगे क्लिंग रैप। क्लिंग रैप को रखेंगे हम लोग 15 मिनट, 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 15 मिनट हमने क्लिंग रैप लगाया, क्लिंग रैप लगाने के बाद में 15 मिनट वेट किया। वेट करने के बाद में अब क्या कर रहे हैं हम लोग, पैडल ब्रश से बालों को 100% ड्राई। इसकी जो हीट रहेगी वो कितनी रहेगी, हीट मीडियम, और जो ब्लो रहेगा वो फुल रहेगा। अगेन फिंगर ब्लास्ट की तरह नहीं करना, कैसे करना, सेक्शन बाय सेक्शन लेंगे, बिल्कुल ब्लो ड्राई करेंगे और कोशिश करेंगे हमारा प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो, बालों में शाइन आनी चाहिए। अच्छी से पकड़ो, ड्रायर करो और प्रोडक्ट को पेनिट्रेट करो। अभी हमने क्या किया, ब्लो ड्राई किया पैडल ब्रश के साथ और प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल पेनिट्रेट हो गया, शाइन आ गया बालों में। अब हम शुरू करेंगे आयन। आयन का जो टेम्परेचर रहना है वो रहेगा 140 degrees to 160 degrees। 140 जो है बहुत ही सेंसिटाइज बाल हैं उनके ऊपर करो, और 160 जो है उससे थोड़ा बेटर हो तो उस पर करो। इसलिए हर जगह पे आप देख रहे हो 140 to 160। बालों को आपको चेक करना है, बाल आप लोग को चेक करने हैं, कैसे बाल हैं उसके हिसाब से आप उनके आयनिंग कर सकते हो। आयन अच्छी कंपनी के होनी चाहिए, सेरेमिक प्लेट होनी चाहिए, और आयन करने के बाद में छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में लेने हैं, रिपीटेशंस अगेन सेम, जहां जब आपको बालों के अंदर शाइन नजर आ जाए वहीं रुक जाना। वैसे नॉर्मली कंपनी बोलती है 8 से 10 बार, 6 बार में भी कई बार आ जाता है, क्योंकि ये सेंसिटाइज बाल है, तो मुझे लगता है कि इन बालों पे जो शाइन है मे भी थोड़ी जल्दी आ जाए क्योंकि ये बाल सेंसिटाइज है। लेकिन कोशिश करो कि अच्छी आयनिंग करो, पतले सेक्शंस लो, ऑल ओवर करो, जैसे ही आपके सारे बालों पे आयनिंग हो जाती है, अभी बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में अगेन सारे बालों पे आपने आयनिंग करनी है। आयनिंग के बाद में क्या करना है, क्लाइंट को बोलना है 24 आवर्स के बाद में आना है, और 24 आवर्स के बीच में जो उन्होंने प्रिकॉशंस लेने हैं सेम वही प्रिकॉशंस, बाल गीले नहीं होने चाहिए, स्वेट नहीं आना चाहिए, क्लचर नहीं लगाना चाहिए, बालों को कान के पीछे नहीं लेना, और जितने भी आपको प्रिकॉशंस पता है सारे क्लाइंट को बोलेंगे ये प्रिकॉशंस लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है,
क्लाइंट 24 आवर्स के बाद में हमारे पास आएगा। अभी क्या कर रहे हैं, क्लाइंट आया, क्लाइंट को बिठाया, वेट करवाया क्लाइंट को, और अब दोबारा हम क्लाइंट के बालों पे आइनिंग कर रहे हैं कि कौन से टेम्परेचर पे, सेम 160 डिग्री पे, 160 डिग्री पे करेंगे, बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में करेंगे। जैसे ही हमारे पूरे बालों पे आइनिंग हो जाती है, आइनिंग करने के बाद में अगेन हम क्लाइंट को बोलेंगे 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट क्लाइंट को बिठाओ ताकि बाल नॉर्मल हो जाए, जो हमने हीट दी थी बालों में वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद में रिंस, अच्छे से रिंस करेंगे सारे के सारे बालों को, पूरा प्रोडक्ट निकाल लेंगे बालों से। अब हम लगाने वाले हैं रिवाइवर रिपेयर शैम्पू, शैम्पू से हम वॉश करने वाले हैं, रिवाइवर रिपेयर ट्रीटमेंट के साथ में हम लोग उनके बालों पे कंडीशनिंग करने वाले हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, रिवाइवर शैम्पू ही यूज करना है और रिवाइवर ट्रीटमेंट ही यूज करना है। उसके बाद बालों को ड्राई करेंगे, दैट इज योर रिजल्ट। अब जो आया है ड्राई करने के बाद में, दिस इज योर रिजल्ट। और क्लाइंट को हम लोग होम केयर में क्या देने वाले हैं, रिवाइवर हेयर शैम्पू, रिवाइवर हेयर कंडीशनर, ये क्लाइंट को हमने होम केयर में देना ही देना है। और साथ में जैसे कि आप लोग को पता है क्लाइंट को क्या करना है, क्लाइंट को होम रेमेडीज के लिए मना करना है और उनको हमेशा यही बोलना है ये भी खत्म हो जाए तो आप दूसरा शैम्पू लेके जाओ, रिवाइवर का ही, रिवाइवर हेयर शैम्पू एंड कंडीशनर हमारे पास में अवेलेबल है, अपने पास रखना। क्लाइंट सिस्टीन के ऊपर हमेशा यही करना चाहिए। आई होप आप लोगों को पूरा ट्रीटमेंट समझ में आया होगा, सिस्टीन का आपके जो भी डाउट्स थे वो पूरे क्लियर हो गए। बस इतना समझ लो, दिस इज अ प्रोटीन ट्रीटमेंट, नॉट स्ट्रेटनिंग, इट स्टेज फॉर 3 to 4 months और डिपेंड करता है कि आप कितने वॉश करते हो बालों के ऊपर। जितना ज्यादा आप वॉश करोगे उतनी जल्दी ये निकल जाएगा। प्रिकॉशंस मैंने आपको कुछ बताए थे, आपको स्विमिंग नहीं करनी, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है उस पानी के अंदर, तो क्लोरीन वाले पानी से आप स्विमिंग करोगे तो आपके सिस्टीन ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आएगा। और आपको कौन से बालों पे ज्यादा करना है, जो लोग बालों पे ब्लो ड्राई ज्यादा करते हैं, आइनिंग ज्यादा करते हैं, उनको रिकमेंड करना। पतले बालों के ऊपर रिजल्ट आने वाला है, डाई कलर के ऊपर नहीं आने वाला, हीना कोटेड बालों पे रिजल्ट नहीं आने वाला। तो आई होप आप लोगों को सिस्टीन कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।